भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिक नेता पर ड्यूटी जाते समय कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। सेक्टर 5 के पास हुए इस घटना में सीटू ठेका यूनियन के महासचिव योगेश सोनी को मरा समझकर हमलावर भाग निकले। जानकारी के अनुसार बीएसपी के एमएसडीएस विभाग में कार्यरत और सीटी ठेका प्रकोष्ठ के महासचिव योगेश सोनी को ड्यूटी जाते समय सेक्टर 5 में फॉरेस्ट एवेन्यू रोड में अज्ञात हमलावर पीछे से दाहिने कंधे पर ताबड़तोड़ 3 हमले कर भाग निकले। अचानक हुए हमले से श्रमिक नेता रास्ते पर गिर पड़े, जिन्हें वहां से गुजर रहे लोगों ने सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उनका उपचार जारी है। इस घटना को लेकर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ठेकेदारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ योगेश सोनी लगातार आवाज उठा रहे थे। आशंका है कि इसी कारण उन पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।